संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार वर्षों की तैयारी और समर्पण के साथ शामिल होते हैं, तब जाकर यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक हो पाती है। ऐसी एक सफलता की कहानी आईएएस प्रीति बेनीवाल की है, जिनका ट्रेन एक्सीडेंट ने जीवन बदल कर रख दिया। वो एक साल तक बिस्तर पर पड़ी रहीं और बाद में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पास की। साल 2016 में प्रीति बेनीवाल का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी के प्रमोशन के लिए एग्जाम गाजियाबाद में निर्धारित था। रेलवे स्टेशन पर फिसल गई और ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच गिर गई। इनके ऊपर से 3 ट्रेनें गुजरती चली गईं, जिससे जानलेवा चोटें आईं। इस जीवन को बदल देने वाली दुर्घटना के कारण प्रीति को 14 सर्जरी से गुजरना पड़ा। उनके इलाज के दौरान बेनीवाल को बाईपास पर रखा गया था, क्योंकि उनकी चोटें जानलेवा थी। इस दुर्घटना के कारण बेनीवाल के पति और ससुराल वालों ने छोड़ दिया, जब वो गंभीर हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। इसके बावजूद प्रीति ने अपने बचपन के आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने की ठानी। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी। उन्होंने तीसरी बार में बिना किसी कोचिंग के ऑल इंडिया रैंक 754 के साथ यूपीएससी 2020 की परीक्षा पास की। हरियाणा के डुपेटी की रहने वाली प्रीति पड़ोस के गांव फफताना के निजी स्कूल में पढ़ती हैं। उन्होंने पानीपत से 10वीं की पढ़ाई पूरी की और टॉपर बनकर उभरी। प्रीति ने अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा मदलूडा में पूरी की और फिर हरियाणा के इसराना कॉलेज में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की। एमटेक पूरा करने के बाद प्रीति ने 2013 से 16 तक ग्रामीण बैंक में क्लर्क के रूप में काम किया। उन्होंने साल 2016 से 21 तक एफसीआई में असिस्टेंट जनरल सेकंड के पद पर रही। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2021 में उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में काम किया। यूपीएससी सीएससी परीक्षा पास करने के बाद अब वो एक आईएएस अधिकारी के रूप में काम करती हैं।